ये खबरें बार बार आ रही हैं कि चीन ने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, और ये बात भाजपा सरकार ना एक्सेप्ट कर रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी तो बोलते हैं कि ना कोई आया था, ना कोई किसी ने कब्जा किया, ना कोई हमला हुआ। तो एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आइए देखते हैं, हम इसको समझिए, बहुत छोटी सी चीज है, आप खुद कर सकते हैं। गूगल पे जाइए, और गूगल अर्थ टाइप कीजिए। जब गूगल अर्थ आप टाइप करेंगे तो एक चिकनगिनी हमारा ग्लोब दिखेगा, उस पे जाके कुछ नहीं करना है आपको, बस उस पे जाके आप अपने भारत की तरफ आ जाइए। तो हम जाते हैं भूटान, भारत और चीन के बॉर्डर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं चिकन स्नैक। अगर आप देखेंगे तो ये है चिकन स्नैक, यहां पे आप देख सकते हैं, इस ट्राई जंक्शन को बोला जाता है चिकन स्नैक, क्योंकि ये सबसे संवेदनशील एरिया है भारत के लिए। तो अब जब जाके आप जूम करते हुए जाएंगे यहां पे, तो आप जूम करिए इसको, आपको दिखेगा कि ये क्या है, बहुत क्लियर पिक्चर्स है, और इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और इसमें आप आगे बढ़ना शुरू करिए। तो ये बॉर्डर एरिया है, सफेद लाइन जो दिख रही है ये बॉर्डर चल रहा है, ये बॉर्डर पे आप बढ़ते जाइए, ये पहाड़ से होता हुआ जा रहा है, यहां से शुरू होता है वो नाला जिसपे चीन ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। आइए हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन। ये देखिए लेफ्ट में जो ये एरिया, जो लेफ्ट का एरिया दिख रहा है, ये चीन का एरिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की रोड बनी हुई है, काली काली, ये देख सकते हैं पट्टियां तक बनी हुई, इतनी अच्छी इन्होंने रोड बनाई हुई है। ये नाला दिखता जाएगा बॉर्डर, ये चीन है, ये भूटान है, और इसके नीचे, और भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है। और आप देखते जाएंगे, इस रोड के सारे चलते जाइए, आपको रोड दिखती जाएगी, और कंस्ट्रक्शन भी आपको बहुत बढ़िया दिखना शुरू हो जाएगा। ये रोड निकली फिर से, ये देखिए, ये क्या सांप की तरह, यहां से, यहीं से इन्होंने और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए हैं। थोड़ा जूम आउट करके हम तेजी से चलेंगे, ये रोड चली जा रही है, साथ में पूरी रोड बनी हुई है, ये देखिए, ये बगल में भी ये सब रोड बनी हुई है, यहां रोड है, यहां पे भी रोड है। और ये पुराना मैप है, मत भूलिए, आज के समय बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए हैं। ये तो 2021 का है, गूगल अर्थ रियल इमेज रियल टाइम पे नहीं दिखाता, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि ये सब देखिए, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर ये दिखने लगे हैं, ये सब देखिए नीले नीले, ये सब आपको दिखने लगे हैं। इसके बाद आप चलते जाइए और लेफ्ट साइड पे पूरा चीन है ये, और आप जब जाएंगे आगे, ये देखिए, ये आता है एरिया, इधर ये बॉर्डर मूव हो गया है भूटान की तरह, ये पूरा चीन है। अब आप देखिए चीन का कंस्ट्रक्शन, ये देखते जाइए, पूरा कंस्ट्रक्शन देखते जाइए, ये पूरे के पूरे गांव, शहर, पूरे बैरक सब बसे हुए हैं इसके ऊपर। और सबसे मजेदार बात जो है कि इन्होंने इस पे ब्रिज भी बनाने शुरू कर दिए हैं, ये देखिए रोड आएगी, ये देखिए पहला ब्रिज जो बॉर्डर के इस तरफ है, देख सकते हैं आप, इससे क्लियर क्या होगा। और इसी तरह अगर आप आगे जाएंगे तो आपको ब्रिज पे ब्रिज दिखेंगे बॉर्डर पे, कंस्ट्रक्शन भी पूरा दिखेगा, ये देखिए एक और ब्रिज। और आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि चीन ने पूरा जूम आउट करके देख सकते हैं कि ये सब चाइनीज में लिखा हुआ आपको दिखेगा, ये सब चाइनीज में, प्रूव करने के लिए कि ये सब चाइना है। अगर आप देखेंगे तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है पहाड़ पे, इस पहाड़ में जहां पे भारत की तरफ से नहीं है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन यहां पे इन्होंने कर लिया है। और आप देखेंगे ये चीन, तो कमिंग बैक टू, क्या ये भाजपा वाले श्री नरेंद्र मोदी जो कल गुजरात का मैप दिखा रहे थे कि हम साइक्लोन और ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो क्या वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि चाइना एकदम तैयार बैठा हुआ है तीन तरफ से, लेह लद्दाख, ये चिकन स्नैक, और अब समुद्र पे भी उन्होंने पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं जिसपे हमको वहां से ब्लॉक कर सके। धन्यवाद।